Junior! जिंदाबाद! मजदूर नेता! जिंदाबाद! साडा हक! जिंदाबाद! साडा हक! जिंदाबाद! साडा हक! आज जो टीम मजदूरों का धरना लगाया गया मंडी के किस बात पे लगाया गया? आज हमारा जो मंडी मजदूरों का धरना लगाया गया है वो धान के लिए लेकर लगा करके लिए लगाया गया है। धान है जो उसकी सीधी खरीद हो रही है, बगैर सफाई बगैर जराई के सारा धान घोटाले से सारा धान बिक रहा है। हमने एक महीने पहले हमने सेक्रेटरी साहब को भी लिख के दिया, एसडीएम को भी लिख के दिया कि जैसे कि धान की जो प्रक्रिया है जराई सफाई होकर के जो सारी मंडियों में वहाँ पे बिकता है वैसे ही सारा माल जहाँ पे ही बिकना चाहिए। और यहाँ पे सेक्रेटरी और जो जाके जो अधिकारी है एसडीएम है सब मिल करके यहाँ पे इन्होंने लूट मचा रखी है, सेलर वालों ने लूट मचा रखी है जी। हमारे मंडी मजदूरों से कोई काम नहीं लिया जाता और बगैर जराई सफाई के सारा धान सीधे सेलर में बिक रहा है जी। हमारी मांगे यही है भी जो काम है धान का वो जो सरकारी प्रक्रिया है उसी के हिसाब से होना चाहिए, उसकी जराई सफाई और उस ढंग से पक्के से होनी चाहिए। जो हमारे मंडी के मजदूर हैं उनसे हमारी से काम कराया जाए उसी ढंग से होने चाहिए। अगर ये नई बात ये नहीं मानेंगे सेलर वाले और जो आढ़ती सेशन है या सेक्रेटरी है ये हमारी बात मांग को नहीं मानेंगे तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम अपना धरना धर के रखेंगे, हम कोई भी मंडी के अंदर कोई काम ना करने देंगे और ना करेंगे। आज आप किसी उचित अधिकारी को मिले हो? आज हम उचित अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने हमारे को हम पहले भी गए थे 5-6 दिन पहले गए थे, उन्होंने हमारे को 6 तारीख का टाइम दिया था भी 6 तारीख को आपका मसला हल हो जाएगा, हम बात करके सारा मसला हल कर देंगे। उन्होंने आज हम गए 7 तारीख को टाइम, हम 7 तारीख को गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही ना कोई अधिकारी है यहाँ पे। एक संजय का सेलर है और सेलर और भी हैं, फिलहाल तो संजय खरीद कर रहा है और संजय सीधे खरीद करके सीधा माल भरा रहा है। प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जैसे कि सरकारी प्रक्रिया है वैसे ही धान जराई सफाई होकर के दुकानों पे बिके और हमारे मंडी मजदूरों से सारे से काम लिया जाए। बात जी हमने मजबूरन जे काम करना पड़ा, हमने मजबूरन जे काम करना पड़ा। आज हमारा मालिक जो है एसडीएम साहब, सबसे पहले हमने उनसे मिले और उनसे लिख के लिया हमने भी धान जो है जो व्यापारी जो खरीदार है वो मंडी में डेली करा करके जुड़वा करके सफाई करवा करके वो लें ताकि हमारे मजदूरों का काम चल सके। हम इस काम के लिए एक साल भर दुकानों पर बैठे रहते हैं और हम इन लोगों के आठ जो कर्जाऊ बैठे हैं और जे सीधा बेच देते हैं, तो इस तरह करके हमने हमारी समस्या एसडीएम साहब के सामने रखी तो वो इग्नोर करके इस बात को। उसके बाद हम जो मार्केट कमेटी है सीएसआर के बोर्ड इसको मिले हम, ये वहाँ भी आपको 6 तारीख को करा देंगे। सारी बातें हमारी इन्होंने इग्नोर करके अनगर्जी करके और आज इनकी वही प्रतिक्रिया है जैसे सालों से करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं वही प्रतिक्रिया है, जबकि ये किसान से मजदूरी काट रहे हैं। आई मजदूरी है किसान खरीदार से अपने आई मजदूरी है और किसान से जे मजदूरी काट रहे हैं, फिर हमें क्यों नहीं देते ये कि क्या घपलाबाजी है। इस घपलाबाजी के रोष में आज हमने आखिरकार ये हमने धरना दिया है और इस धरने का रूप जो है भयानक रूप होगा और आज जिले में होगा ये अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो। हम धरने पर बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन के लिए धरना है, ये नहीं हमारे को टाइम टेबल है। हाँ पक्का समाधान, इनकी बेईमानी है ना, आढ़तियों की बेईमानी है, कुछ प्रशासन की बेईमानी है इसके अंदर, क्यों हमारा गला काटा जा रहा है मजदूरों का, इस करके हमने मजबूरन धरना दिया है। आगे कार्यकर यही है कि हमारी ये बातें मानेंगे ठीक है, ना मानेंगे हमारा धरना जारी रहेगा, ना हम काम करेंगे ना करने देंगे किसी को।